ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। खबर मध्य प्रदेश के सीहोर जिला से है, जहां सीहोर जिला में कुबरेश्वर धाम एक दल के पुल के चर्चित है। चर्चित ऐसे है काहे से कि कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव की शुरुआत होने वाली है और एक एक दिन पहले ही है बता दी कि भारी भीड़ पहुंचा लाही भाई। वह भीड़ का कंट्रोल करे में बता दी कि प्रशासन नतमस्तक नजर आवल है, जिसके कारण यहाँ भगदड़ मची है। हाईवे में बता दी कि करीब 16 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हबे। तो विनय क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूछा अपना पंचे सभी जन का प्रणाम कही थे, शुरू कही थे बड़ी खबर से। बता दी कि सीहोर में कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव के आयोजन की जाला है और एक मद्देनजर यहाँ भारी भीड़ बता दी कि आयोजन के पहले जुटल लाहिबे। भीड़ के आगे प्रशासन के सांस फूलत नजर आवल लाही बे। दरअसल इंदौर भोपाल राजमार्ग में स्थित हेमा चितवालिया में बने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबरेश्वर धाम में गुरुवार से 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा और रुद्राक्ष वितरण के कार्यक्रम शुरू होगा। पहले दिन महोत्सव की शुरुआत होते है भोपाल इंदौर हाईवे में तकरीबन 17 किलोमीटर के लंबा जाम लगा रहा। ये महोत्सव में शामिल हुए खातिर दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचा रहा। हालात यह है कि महोत्सव के एक दिन पहले यानी बुधवार का यहाँ इतनी भीड़ पहुंची कि प्रशासन के इंतजाम महोत्सव शुरू होने से पहले नाकाफी और असफल नजर आए। आलम यह रहा कि रुद्राक्ष के चाह खातिर पहुंचे लोगों के द्वारा 1 से 1.5 किलोमीटर तक लंबी कतार लगाई गई रही। कतार में 2 लाख से अधिक लोग लगे रहे। वह बड़े संख्या में बुजुर्ग महिला और बच्चा घलाए भीड़ के कारण बता दी के परेशान नजर आए। कई एक लोग बीमार भी और कुछ लोग तो मौके में उल्टी करने लगे, कुछ बेहोश हो के गिर घलाए गए। बता दी कि शाम के 5 बजे तक यह प्राथमिक केंद्र बता दें कि शाम के 5 बजे तक यहाँ के प्राथमिक उपचार केंद्र में 2000 से ज्यादा लोग जो रहे बीमार हुई के इलाज करावे खातिर पहुंचे रहे। बता दें कि कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और ये महोत्सव खातिर 70 एकड़ में 5 स्थान में पार्किंग बनवाई गई है। बावजूद है कि पार्किंग बुधवार का फुल हो गई, लोगों के द्वारा आसपास के ग्रामीण इलाकन में वाहन खड़ा कर अब शुरू की इनके हम बतावा जाता है कि गुरुवार का महोत्सव शुरू होने के बाद भोपाल इंदौर मार्ग में करीब 17 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा। रुद्राक्ष बांटे वाली समिति से कहा गया है कि एक दिन पहले रुद्राक्ष बांटअप शुरू कीनगा और तब जाए के भीड़ संभाली जा सकत ही। रुद्राक्ष वितरण बता दी कि तय समय से पहले एक दिन शुरू भा, लेकिन भीड़ का संभाले खातिर जो व्यवस्था रही वह नाकाफी नजर आई। दरअसल सीहोर स्थित कुबरेश्वर धाम में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा और रुद्राक्ष वितरण के कार्यक्रम 16 फरवरी से 22 फरवरी तक आयोजित किए जाला है, जिनमें करीब 5 लाख लोगों के पहुंचे की उम्मीद जताई जाला है। हर साल बता दें कि यहां लगभग यह महोत्सव के आयोजन किए जाते हैं और पिछले साल ये महोत्सव के दौरान जम के अव्यवस्था फैली रही और एक कारण यहाँ पहुंचे वाले श्रद्धालु अच्छा खासा परेशान में रहे। वहीं दरकीपुन के प्रशासनिक व्यवस्था जो ही है वह नाकाफी नजर आवला ही यहाँ पहुंचे वाली भीड़ के आगे। तो सजग रहिए और सतर्क रहिए, रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, इन सभी में रोजगार की अपार संभावना है। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D और 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश, एरिना एनिमेशन। एरिना है तो जॉब है।